पीएम मोदी की यूपी में आज 3 रैलियां हैं, जहां राहुल और अखिलेश दो लड़के दूसरी बार राजनीतिक फॉर्मूला आजमाने के लिए मैदान में हैं। दोनों साथ तो आए, लेकिन आगे का रोड मैप किसी के पास नहीं है। पीएम ने आज यूपी में एंट्री से पहले एमपी से बता दिया कि इंडिया अलायंस के लिए उनके तर्कश में कौन कौन से तीर हैं। पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनावी मैदान में तो है, लेकिन उनके पास पीएम पद के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो आपको 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे, तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए, देश बचेगा क्या?